युवा आईएएस की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने विशेषण अध्याय की शुरुआत की थी, उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे विशेषण के दूसरे भेद, जो संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यह संख्यावाचक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके तीन भेद हैं। अमूमन आपको इसके दो भेद पढ़ाए जाते हैं, लेकिन तीन भेद हैं। तीन भेदों के पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर आपको समझना हो तो आप बात करेंगे चार लोग, तो ये चार जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। हमने कहा कि 20 आम, तो ये 20 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। कोई भी संख्या हो, व्याकरण में उसे विशेषण के नाम से ही जाना जाता है। किसी भी प्रकार की संख्या का बोध अगर हो, उसे हम संख्यावाचक के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं कि संख्या कुछ निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। जैसे हमने कहा कि सभा में चार लोग उपस्थित हैं, अब चार लोग तो निश्चित है कि चार लोग हैं, लेकिन अगर हमने कह दिया कि सभा में कुछ लोग अनुपस्थित हैं, अब कुछ ये भी संख्या सूचक है लेकिन निश्चित नहीं है कि कितने हैं। इस आधार पर यह मान लिया जाता है कि संख्या के आधार पर या संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं। ये तीन भेद हैं और इन तीन भेदों की पहचान हम लोग करेंगे अपने इस अगले सेगमेंट में, जिसमें हम देखेंगे कि संख्यावाचक के तीन भेदों में पहला होगा आपका ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो निश्चित संख्या है उसका बोध होगा, अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित नहीं होगा कि कितनी संख्याएँ हैं। और इसी का जो तीसरा भेद है, जिसको हम लोग कहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अब पुनः इसके पांच भेद होते हैं, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। ध्यान रखेंगे संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसी परिमाणवाचक विशेषण को कुछ लोग स्वतंत्र रूप से विशेषण का एक प्रकार बता देते हैं, विशेषण का एक भेद बता देते हैं और कहते हैं कि विशेषणों की संख्या चार है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें कि विशेषण के तीन भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उसमें से गुणवाचक विशेषण के कल हम लोगों ने बातें की थी कि उसके छह भेद हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। इस संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अगर आपको उदाहरण के तौर पर समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कक्षा में 10 छात्र हैं। अब ये जो 10 है ये निश्चित संख्या वाचक विशेषण है
और ये जो है ये हो जाएगा आपका विशेष, क्योंकि ये संज्ञा है तो ये विशेष हो जाएगा। अगर हमने कहा कि कक्षा से कुछ छात्र चले गए, तो यह कुछ जो है ये भी संख्या का बोध तो करा रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कितने छात्र चले गए। इस आधार पर हम इसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और ये छात्र जो हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। तो इस तरीके से दो बातें क्लियर हो गई कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और तीसरी बात हम लोगों ने की थी परिमाणवाचक। तो परिमाण का अर्थ होता है नापतौल, यानी कि जिनको गिना न जाए संख्याओं का, ऐसा बोध जिनको हम गिन न सकें बल्कि हम नाप और तौल कर अनुमान लगा सकें, नाप तौल करके हम बात बता सकें, उसको हम कहते हैं परिमाण। उदाहरण के तौर पर हम लोगों को तो गिन सकते हैं, छात्रों को गिन सकते हैं, लेकिन अनाज को गिन नहीं सकते, चीनी नहीं गिन सकते, हम कपड़े को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते। हम कपड़े को, दूध को, अनाज को नापते हैं, तौलते हैं। तो जिन्हें नापा जाता है, जिन्हें तौला जाता है, उन्हें हम कहाँ रखते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। ये भी संख्यात्मक के ही भाग हैं, लेकिन इन्हें गिना नहीं जाता, इन्हें नापा तौला जाता है। कहने का मतलब यह है कि वे जिन्हें हम गिन सकते हैं वे संख्यावाचक हैं, और जिन्हें हम नाप तोल कर सकते हैं वे परिमाणवाचक हैं। इसको आप चाहें तो ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। मतलब कि गिने जाने वाले ये हो जाएंगे संख्यावाची, और नाप तौल वाले हो जाते हैं ये परिमाणवाची। अब इनको आप खूब अच्छे से नोट भी कर लें और इसे समझ भी लें। नोट करने और समझने से याद रहेगा हमेशा। जैसे कि अगर आप लिखें कि मुझे चार लीटर दूध चाहिए, तो ये दूध जो है इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम नापते हैं, तौलते हैं। तो ये दूध नाप तौल के कारण ये आ जाएगा परिमाण में। और ये 4 लीटर, निश्चित है कि 4 लीटर अगर कहा जा रहा है तो 4 लीटर ही होगा, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो ये निश्चित है। इस कारण से ये हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अगर हमने ये कह दिया कि मुझे 4 केले दे दो, तो केलों को गिन सकते हैं हम, तो वहाँ पर वो काउंटेबल है, इस वजह से उसे हम संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विशेषण में जो संख्यावाची विशेषण है उसके संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जो 3 भेद हैं इनके, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक, ये पूछा गया है, इनसे तमाम से सवाल किए जा रहे हैं। फिर अनिश्चित संख्यावाचक, ये इसका कोई भेद नहीं है,
परिमाणवाचक के दो भेद हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये भी पूछे जाते हैं। और इसमें ये जो गणनावाचक विशेषण है इसके पुनः दो भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक आप जानते ही हैं, जो राउंड फिगर में हम बात करते हैं, राउंड फिगर 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक बोधक हैं। और अगर हम कहें कि 1 पाव 1.5 सवा 2.5, ये अपूर्णांक बोधक में गिने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पांच भेद, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। और इसी गणनावाचक के पुनः दो भेद हो जाते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। फिर उसके बाद दूसरा भेद हो जाता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और ये तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हो गया आपका विशेषण के भेद। अब हम लोग आगे चलेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बताया ही हमने कि कक्षा में 4 छात्र उपस्थित हैं, तो 4 छात्र निश्चित है। कोई भी संख्या अगर निश्चितता की बात करें, निश्चित हो, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। पहली बात तो ये जान लें कि संख्या अगर है तो वो विशेषण है, कोई भी संख्या हो तो वो विशेषण है। और विशेषण का प्रयोग हम संज्ञा के पहले ही करते हैं, सर्वनाम के पहले करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, आपको पता ही होगा। कोई भी संख्या हो उसे हम विशेषण के अंतर्गत गिनेंगे। तो जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लें, पहले तो इसका भेद देख लिया जाए। इसके 5 भेद हैं, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। अब गणनावाचक को कैसे हम समझेंगे, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। आवृत्तिवाचक, 2, 3, 4 एटसेट्रा। क्रमवाचक, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। समुदायवाचक, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखें, अब ये सब बहुवचन है तो यहाँ सब पर बिंदु लगनी चाहिए, इस पर बिंदु, इस पर बिंदु, सब पर बिंदु लगेगी। समुदायवाचक, 2, 3, 4, 5। और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हरेक, 2, 2, 1.5। कहने का अर्थ ये है कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि उसके भेद कितने हैं, तो उसके 5 भेद दिखाई देते हैं। ये 5 भेद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा आसानी होगी। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हो गए, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समुदाय बोधक, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में 1, 2, 3, 4 आवृत्ति, जिसमें रिपीट किया जाता है, 2, 3, 4। क्रमवाचक में 1, 2, 3, 4 क्रम, 5वां क्रम। समुदाय बोधक में 2, 3, 4, 5। और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हरेक, 2, 2 और 1.5। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे, सवाल आपके समीक्षा अधिकारी में, समीक्षा अधिकारी के पर्चे में कैसे पूछा जाता है, तो जैसे यहाँ देखें, गणनावाचक 1, 2, 3, 4, आवृत्तिवाचक 2, 3, सेठ मेवालाल को व्यापार में 4 गुना लाभ हुआ। अब ये जो 4 गुना जो है, 4 गुना कहें या 4 गुना या 3 गुना,
तो अब ये चार गुना किस में आएगा, पूछ देगा चार गुना किस में या चौगुना किस में है, तो ये आ जाएगा आपका आवृत्तिवाचक में। इसी तरीके से मोहन का स्थान, मोहन का कक्षा में तीसरा स्थान है। अब देखें ये जो तीसरा शब्द है और ये स्थान, तीसरा कहाँ है, यहाँ देखें पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा आपका ये क्रमवाचक में। इसी तरीके से आप देखें कि दोनों लड़के कक्षा से चले गए। अब दोनों लड़के, ये लड़के तो संज्ञा है, और ये दोनों क्या है, आप यहाँ देख लें कि दोनों लड़के समुदायवाचक हो गए। तो कहने का आशय ये है कि इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, दोनों तीसरा चारगुना दे करके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अंडरलाइन दे करके, अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि इनमें से तीसरा किस प्रकार का विशेषण है या दोनों किस प्रकार का विशेषण है, इनका नाम लिखिए। चारगुना या चौगुना किस प्रकार का विशेषण है, इनका नाम लिखिए। तो नाम आप यहाँ से याद रखेंगे, आवृत्तिवाचक में दुगुना तिगुना चौगुना होता है, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा होता है, समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों पांचों होते हैं, प्रत्येक बोधक में प्रत्येक हर एक दो दो सवा सवा होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि निश्चित संख्यावाचक के ये जो पांच भेद हैं इनसे हर बार सवाल किया जाता है, इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी आगे चल करके जब हम लोग उदाहरणों से इसको समझेंगे तो और अधिक क्लैरिटी हो जाएगी और अधिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। नोट देखें, गणनावाचक के भी दो भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक अपूर्णांक बोधक, जैसा कि हमने दिखाया ही। आप ये जो गणनावाचक है, गणनावाचक दो भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक अपूर्णांक बोधक, इसी को यहाँ पर आपको डिटेल में दिया जा रहा है। गणनावाचक के भी दो भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक अपूर्णांक बोधक, इसको कैसे हम समझेंगे। पूर्णांक बोधक में एक दो तीन चार पाँच, मतलब जो राउंड फिगर में है वो एक दो तीन चार पाँच छः सवान जितना ले सकते हैं आप, और अपूर्णांक बोधक में जो राउंड फिगर में नहीं होता, जो पाव आध डेढ़ सवा पौन ढाई डेढ़, ये जो शब्दावलियाँ आती हैं काउंट करने की, इनको हम लोग अपूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन ने डेढ़ किलो आटा खरीदा। अब तो डेढ़ किलो जो है आटा, ये नाप तोल की चीज़ है, नाप तोल की चीज़ है तो परिमाण में आएगा, और डेढ़ किलो ये डेढ़ आ जाएगा आपका अपूर्णांक में। या इसको भी छोड़ते हैं हम लोग, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। उसने मुझे डेढ़ रोटी खिलाई। अब ये डेढ़ जो है और ये रोटी, तो डेढ़ किस में आएगा, अपूर्णांक बोधक में। या पिताजी ने पुजारी को 125 दिए, तो 125 कहाँ जाएगा, ये अपूर्णांक बोधक में। कहने का आशय यह है कि जो राउंड फिगर में है वो तो एक दो तीन चार पाँच होंगे, लेकिन जो राउंड फिगर में नहीं है वो क्या होंगे, पाव डेढ़ सवा ढाई, इस तरीके के शब्दावलियों में हम लोग इससे बात करते हैं।
आगे हम लोग इसके भी और उदाहरण देखेंगे। अब देखें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, काफ़ी इत्यादि। जैसे अगर हम बात करें कि सभा में, सभा से कुछ लोग चले गए, सभा में 20 लोग उपस्थित हैं, तो 20 लोग, 20 क्या हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और हमने कहा कि सभा से चार लोग, सभा से कुछ लोग चले गए, कुछ लोग, अब कुछ में तो पता ही नहीं है कितने गए होंगे, दो गए हैं कि चार गए हैं कि पांच गए हैं। तो अब जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं प्राप्त हो उसे हम अनिश्चित संख्या की बात करेंगे, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बोध के लिए कुछ, कोई, काफ़ी, ये शब्दों का, वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे समझ लें कि पहली बात अनिश्चित संख्यावाचक जो शब्द हैं वे कौन कौन से हैं, कोई, कुछ, काफ़ी। अगर हम ये कहें कि सभा से कुछ लोग चले गए, अब देखें यहाँ कुछ आया है और ये लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए ये संख्यावाचक है, और कुछ निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी, मेरे पास काफ़ी वोट हैं। अब देखें वोटों को गिना जाता है और उसके पहले लगा है काफ़ी, अब काफ़ी ये तो पता ही नहीं है कि कितना, निश्चित नहीं है, और वोट काउंटेबल है इसलिए हो जाएगा संख्यावाचक, और ये जो है वो हो जाएगा अनिश्चित। तो अनिश्चित संख्यावाचक के प्रतीक रूप में ये आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि कोई कुछ और काफ़ी, इन दोनों के प्रयोग को देखेंगे, फिर आगे हम लोग अंतर समझेंगे कि कैसे कुछ, कोई और काफ़ी में अंतर होता है। इसके लिए हम आपसे आगे उदाहरणों में बात करेंगे। तो जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, कोई, काफ़ी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत समझने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बाद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, जैसा कि मैंने बताया था कि परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तौल, परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल, और नाप तौल की बात जहाँ भी हो जाए बस समझ लें कि वहाँ पर जो है वो परिमाणवाचक ही होगा। जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणबोधक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमेशा पढ़ने के लिए। जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिमाण, परिमाण का मतलब नाप तौल, का बोध होता है उन्हें परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। अब परिमाण को कैसे समझेंगे, जैसे कि दूध, तेल,
अनाज, कपड़ा, ये जो तमाम शब्द हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, इन्हें हम गिन नहीं पाते, गिनते नहीं हैं, बल्कि इन्हें हम नापते हैं, तौलते हैं, नाप तौल करके इनका हिसाब करते हैं। तो नाप तौल वाली वस्तुओं के पहले अगर निश्चित संख्या का बोध है तो निश्चित परिमाणवाचक कहलाएंगे, और नाप तौल वाली वस्तुओं के पहले अनिश्चित संख्यात्मक वाचक शब्द हैं तो समझिए कि अनिश्चित संख्यावाचक शब्द कहलाएंगे। इनको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसे। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी हमने बात की, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 1, 2, 3, 4, 5 निश्चित हैं और वो परिमाणवाचक शब्दों के पहले आते हैं, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कुछ। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसे ऐसे समझें, हमने कहा कि मुझे दो पुस्तक चाहिए। अब ये दो जो है पुस्तक के पहले लगा है और पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक है न कि परिमाणवाचक। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो अब ये दूध जो है ये नाप तौल की वस्तु है, तो नाप तौल की वस्तु होने के कारण ये हो जाएगा परिमाणवाचक, और इसके पहले जो ये लगा हुआ है 2 लीटर, 2 लीटर निश्चित शब्द है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से बात करें और कहें कि मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, अब ये कपड़ा भी जो है नाप तौल की वस्तु है, तो नाप तौल की वस्तु होने के कारण इसके पहले निश्चित संख्यात्मक शब्द लगा हुआ है, इसलिए हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अगर हम ये कह दें कि मुझे 1 थोड़ा कपड़ा चाहिए, अब यहाँ पर थोड़ा से पता नहीं, कपड़ा तो है नाप तोल की वस्तु तो परिमाणवाचक हो जाएगा, और थोड़ा से यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर कितना चाहिए, ये अनिश्चित का भाव दे रहा है, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कुछ, ये जो हैं अगर नाप तोल वाली वस्तुओं के पहले लगाए जाते हैं तो इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, और अगर इन्हें हम गिनने वाले वस्तुओं के पहले लगा देते हैं तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस बात का ध्यान रखना है कि अगर नाप तौल की वस्तुओं के पहले थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कुछ लगा दिया जाए तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे, और अगर इन्हीं शब्दों को गिनने वाले वस्तुओं के पहले लगा देते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कुछ अगर ये संख्यावाची शब्दों के पहले लगेंगे तो अनिश्चित संख्यावाची होंगे, और नाप तौल के वस्तुओं के पहले लगते हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि या ऐसे देख लें, जिन्हें गिना जा सके वो संख्यावाची विशेषण हैं, संख्यावाची विशेषण हैं, और जिन्हें हम नापते हैं, तौलते हैं, या जो नाप तौल का विषय है वो परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं, वो परिमाणवाची विशेषण हैं।
तो अभी तो यहाँ पर हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में इस पर कम से कम दसियों सवाल ऐसे वाक्य होंगे जिनमें इसका प्रयोग हम देखेंगे, और इसी प्रयोग के माध्यम से हम लोग अपने विशेषण को कन्फर्म करेंगे। अभी तो आज आधिकारिक तौर पर पाठ्यक्रम का दूसरी कक्षा है, और दूसरी कक्षा में हम लोगों ने यहाँ तक की पढ़ाई की। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में हो या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में, हम उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे आपके साथ। आपसे उत्तर भी लेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान भी करेंगे। फिर उसके बाद जो सेशन चलेगा आपके मूल्यांकन का, जो एक तरीके से कहिए कि क्वालिफाइंग बैच जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, उनमें प्रश्नों की पूरी श्रृंखला होगी। उसमें प्रश्नों की इतनी अधिक प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप 60 में 60 अंक पा सकते हैं, पूरे प्रश्न आप कर सकते हैं। क्योंकि विशेषण में अभी तो साधारण सी बात है, संख्यावाचक विशेषण पे हैं। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो और भी अधिक विशेषण पढ़ने को मिलेंगे। हमारे यहाँ विशेषण जो तीन भेद बताए जाते हैं, संख्यावाची गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इनके अलावा भी विशेषण हैं। उदाहरण के तौर पर प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, और तुलनात्मक विशेषण के साथ साथ जैसे अंग्रेजी में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां होती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ हिंदी में भी किसी भी शब्द की जो मूल शब्द है वो मूल शब्द, फिर उसका उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीन डिग्रियां होती हैं। जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट है, वैसे ही हमारे यहाँ हिंदी में उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम, ये होता है। कहने का आशय यह है कि जब भी हम विशेषण की बात करते हैं पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो विशेषण के तीन भेदों के साथ साथ उन विशेषणों पर भी बात करनी पड़ती है, या उन विशेषणों से भी सवाल किए जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं। तो अगर आयोग डाल डाल चल रहा है तो हम भी पात पात चलेंगे, देखते हैं कहाँ से सवाल बनाते हैं। तो उन हर एक सवालों की प्रैक्टिस, जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी, और जो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम लोग अपनी कक्षा में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण को आपने समझ लिया कि परिमाणवाची विशेषण वे होते हैं जिसको नापा जाता है, तोला जाता है, और संख्यावाची विशेषण वे होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषण है, और यही वह विशेषण है जो सबसे ज़्यादा आपको असमंजस में डालता है, लेकिन बिल्कुल आसान है। केवल और केवल आपको यह समझना होगा कि इसका मूल फंडा क्या है। जिस दिन हम इसके मूल फंडे को समझ लेंगे, हमारा यह सार्वनामिक विशेषण अन्य भेदों की तरह भी बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर यानी संज्ञाओं की तरफ संकेत करने वाले या उनकी विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक बार इस परिभाषा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें ताकि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और बार बार रिविज़न कर लेंगे तो याद हो जाएगी। संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर यानी संज्ञाओं की ओर संकेत करने वाले या उनकी विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसे परिभाषा में था कि संज्ञाओं से पहले आकर, ये हमने मान लिया कि संज्ञा है, उसके पहले आएंगे क्या आएंगे, सर्वनाम। संज्ञा से पहले सर्वनाम आए और संज्ञा की ओर इशारा भी करे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं और डिटेल में।
संज्ञाओं से पहले कोई भी संज्ञा हो, अगर उसके पहले सर्वनाम आता है और आए ही नहीं बल्कि उसकी ओर संकेत भी करें, संज्ञा इसके पहले सर्वनाम आया और आए ही नहीं बल्कि संज्ञा की ओर संकेत करें, तो यह सर्वनाम सर्वनाम नहीं होता बल्कि वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थी में किसी एक विद्यार्थी को कक्षा का लीडर बना दिया जाए, मॉनिटर बना दिया जाए, तो वो विद्यार्थी नहीं कहलाएगा, फिर वो मॉनिटर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और आए ही नहीं बल्कि आने के बाद संज्ञा की ओर संकेत करे, तो वह सर्वनाम सर्वनाम नहीं होता बल्कि उसका नाम बदल जाता है और हो जाता है वो सार्वनामिक विशेषण। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें तो और आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हमने कहा कि यह बिल्ली या बिल्ली को छोड़ते हैं, गाय लेते हैं, यह गाय दूध नहीं देती, और हमने एक और लिया कि यह फूल लाया है। अब देखें, एक और आसान उदाहरण कर देते हैं आपके लिए। वह अब यहां देखें कि यह भी सर्वनाम है, फूल संज्ञा है, वह सर्वनाम है, गाय संज्ञा है। अब यहां पर वह फूल लाया है, यहां भी संज्ञा उसके पहले सर्वनाम, यहां भी संज्ञा उसके पहले सर्वनाम। खूब गौर से समझें, असली केमिस्ट्री यही है। अब इसमें हम यही देखेंगे कि सर्वनाम तो आया संज्ञा के पहले, लेकिन यह वह जो है वो फूल की ओर संकेत नहीं कर रहा बल्कि उस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, उस लड़के की ओर संकेत कर रहा है जो फूल लाया है। वह उस लड़के की ओर संकेत कर रहा है जो लड़का फूल लाया है, यानी कि यहाँ जो है वह इस फूल की ओर संकेत नहीं कर रहा बल्कि वह शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जो फूल लाया है। और यहाँ पर वह गाय, यहाँ जो वह जो शब्द है वह गाय की ओर संकेत कर रहा, यहाँ पर संकेत है और वहाँ संकेत नहीं है। तब हम ऐसे समझेंगे कि अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और वह सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है तो वह सर्वनाम नहीं रह जाता बल्कि वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यहाँ भी सर्वनाम आया संज्ञा के पहले, लेकिन यह सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा है, यह केवल सर्वनाम ही रहेगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। तो इसी आधार पर हम लोगों ने यह परिभाषा देखी कि वे सर्वनाम संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं और उनकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, समझने में आसानी होगी। संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करें, संकेत करने के साथ अगर संकेत करते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ देखें कि वह फूल लाया है, वह या वह संकेत किधर कर रहा है, उस व्यक्ति की ओर कर रहा है जो फूल लाया है, फूल की ओर नहीं कर रहा। और यहाँ पर वह गाय दूध नहीं देती, यहाँ का जो वह है वो गाय की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे।
अभी हम लोग आगे और भी उदाहरण देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। और इस सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब इस मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण को पढ़ने के पहले हम लोग बात करेंगे पहले फिर से उन्हीं सर्वनामों की। जैसे नियम ये था कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और संज्ञा की ओर संकेत करें तभी ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, सार्वनामिक विशेषण ये होंगे तभी होंगे सार्वनामिक विशेषण। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ कि वह फूल लाया है, वह लड़का फूल लाया है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि वह सर्वनाम, खूब गौर से समझें, फूल संज्ञा, वह सर्वनाम, लड़का संज्ञा। अब दोनों में देखें, यहाँ भी सर्वनाम यहाँ भी संज्ञा, यहाँ भी सर्वनाम यहाँ भी संज्ञा। नियम क्या है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और संज्ञा की ओर संकेत करें। अगर संकेत करेंगे तभी सार्वनामिक विशेषण होंगे, संकेत नहीं करेंगे तो सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकते। अब यहाँ देखें, वह फूल लाया है, यहाँ जो वह शब्द है फूल की ओर संकेत नहीं कर रहा, या वह जो शब्द है उसकी ओर संकेत कर रहा है जो व्यक्ति है या जो लड़का है, न कि फूल की ओर। और यहाँ वह लड़का, वह लड़का, यह जो वह शब्द है वो यहाँ लड़के की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ वाला जो वह है वो केवल सर्वनाम रहेगा और यहाँ वाला जो वह है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आई, वह फूल लाया है, वह या वह शब्द उसकी ओर संकेत कर रहा है जो व्यक्ति है, जो फूल लाया है ये उसकी ओर संकेत कर रहा है, जो लड़का फूल लाया उसकी ओर संकेत कर रहा है, फूल की ओर नहीं कर रहा। जबकि नियम है कि सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करे, जबकि दूसरे वाले वाक्य में वह जो सर्वनाम है वह लड़का की ओर संकेत कर रहा है। अगर अंग्रेजी में इस बात को देखें तो और अधिक आसान हो जाएगा। अगर हमने कहा कि दिस इज अ कैट, यहाँ कैट जो है संज्ञा है और दिस जो है सर्वनाम है, लेकिन बीच में ये दीवार बन गए इसलिए ये सर्वनाम इस कैट की ओर ताका झांकी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये बीच में दीवार है इज और ए का। अगर हम ऐसे लिखें दिस कैट इज माइन, दिस कैट इज माइन, अब यहाँ पर दिस क्या है सर्वनाम, कैट क्या है संज्ञा। अब इस दिस और कैट के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है,
इस कारण से यह इसकी ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ का जो दिस है वो सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक यही फार्मूला हम हिंदी में भी लगाएंगे। वह फूल आया है, वह लड़का, दैट बॉय। अब यहाँ पर दैट बॉय या दैट जो है उस लड़के को संकेत कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे वाला सार्वनामिक विशेषण होगा और ऊपर वाला केवल सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि वो फूल की ओर संकेत नहीं कर रहा, वो उस लड़के को संकेत कर रहा है जो फूल लाया है। ये है सार्वनामिक विशेषण। अब इसी तरीके से एक उदाहरण और लेंगे हम लोग, और उस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सार्वनामिक विशेषण और अधिक क्लियर होगा। एक हमने लिखा कि यह तुम्हें बापू के गुणों से परिचित कराएगा। अब इसी को हम लिखेंगे, यह तुम्हारे बापू के गुणों से परिचित कराएगा। अब यहाँ देखें कि इनमें इस पूरे वाक्य में यह है संज्ञा, इसको आप ऐसे समझ लें। ये बापू हो गया आपका संज्ञा और तुम्हें हो गया आपका सर्वनाम। तुम्हें हो गया सर्वनाम, बापू हो गया संज्ञा। अब यहां बापू संज्ञा है और ये तुम्हारे हो गया सर्वनाम। अब देखेंगे इन दोनों वाक्यों में कि ये तो दोनों सर्वनाम है ही, ये भी सर्वनाम है ही, लेकिन इन सर्वनामों का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अगर संज्ञा के पहले आएंगे तभी इनका मतलब होगा, और संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम ये हैं, तुम्हें और तुम्हारे। अब इसमें देखें, यह तुम्हारे बापू के गुणों से परिचित कराएगा। यह तुम्हारे बापू, योर फादर, तुम्हारे बापू, इसमें संकेत कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यस, यह तुम्हें बापू के गुणों से परिचित कराएगा। कोई थर्ड पर्सन कह रहा है कि यह तुम्हें उसकी ओर इशारा कर रहा है जो गुणों को समझने वाला है। तो यह तुम्हें शब्द इस बापू की ओर संकेत नहीं कर रहा, इसलिए केवल सर्वनाम ही रहेगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं हो पाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को कई बार आप रिप्ले करके देख सकते हैं तो और आसानी से समझ में बात आ जाएगी। पहले वाले उदाहरण में तुम्हें जो शब्द है वह व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, बापू की ओर नहीं, इसलिए सर्वनाम होगा। और दूसरे उदाहरण में तुम्हारे बापू, योर फादर, तुम्हारे जो शब्द है सर्वनाम, वो बापू की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सार्वनामिक विशेषण को समझेंगे और जानेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। आपको पता है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आए तो वो आकर के इसके ओर संकेत करे,
तभी वो सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे हमने कहा कि वह गांव जा रहा है, यहाँ पर वह सर्वनाम है, गांव क्या है संज्ञा, यानी कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया। अब ये देखेंगे कि इसको संकेत कर रहा है कि नहीं। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, वह लड़का गांव जा रहा है। अब यहाँ भी देखें, वह जो है सर्वनाम और लड़का संज्ञा। अब आपको तय करना है, ऊपर सर्वनाम और संज्ञा है, नीचे भी सर्वनाम और संज्ञा है, इनमें से पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण इनमें से कौन सा सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है बताएं। अब आप देखें, वह लड़का दैट बॉय, वह लड़का इसकी ओर संकेत कर रहा है, वह गांव जा रहा है, ये जो वह जो है उस लड़के की ओर संकेत कर रहा है जो जा रहा है, वह लड़का गांव जा रहा है, यानी कि यहां वाला जो सर्वनाम है वो संकेत नहीं कर रहा, इस कारण से यह सर्वनाम ही रहेगा और यह क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। यह सार्वनामिक विशेषण स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आसानी से समझ, बहुत आसान उदाहरण है ये, और इस उदाहरण से समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण समझना। वह गांव जा रहा है, इसमें जो वह सर्वनाम है वह उसकी ओर संकेत कर रहा है, जो व्यक्ति या जो लड़का गांव जा रहा है, गांव की ओर संकेत नहीं कर रहा, यानी संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा। नीचे वाले उदाहरण में वह लड़का, ये जो वह शब्द है वह लड़का की ओर संकेत कर रहा है और लड़का संज्ञा है, तो जो सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करें उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, इस कारण से यह सार्वनामिक विशेषण होगा। आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आसानी से यह चीज़ या सार्वनामिक विशेषण समझ में आई होगी। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब आप देखेंगे कि मौलिक और यौगिक का क्या चक्कर है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम जानते हैं कि सर्वनाम जो होता है, यह वह कोई जो, ये सब सर्वनाम हैं, यह वह कोई जो मूल सर्वनाम है प्योर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ जोड़ेंगे, यह प्लस सा बराबर ऐसा, वह प्लस सा बराबर वैसा, कोई प्लस सा बराबर कैसा, जो प्लस सा बराबर जैसा। अब आप देखें, यह जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण की जो बात हो रही थी, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ये मौलिक सर्वनाम हो गए, और ये जो सा जुड़े हुए हैं ये यौगिक सर्वनाम हो गए। आप देखें कि मौलिक सर्वनाम यह वह कोई जो प्योर हैं, इनमें हमने सा जोड़ दिया, जानते हैं आप यौगिक मतलब होता है योग और एक प्रत्यय से बना है, जुड़ा हुआ मिला हुआ, हमने इन सर्वनामों में
सा जोड़ करके यौगिक सर्वनाम बना डाला, यानी कि इनको हम कहेंगे मौलिक सर्वनाम, या हवा कोई जो मौलिक सर्वनाम, और सा जोड़ दिया है हमने तो ये हो जाएंगे यौगिक सर्वनाम। यानी कि मौलिक सर्वनाम कौन कौन से हैं, यह वह कोई और जो, और यौगिक माने योग से बना हुआ, जुड़कर बना हुआ। तो यह में सा जुड़ गया ऐसा, वह में सा जुड़ गया वैसा, कोई में सा जुड़ गया कैसा, और जो में सा जुड़ गया जैसा। तो ये ऐसा वैसा कैसा जैसा ये क्या हो जाएंगे यौगिक सर्वनाम। अब अगर ये यौगिक सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर और संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमने लिखा कि यह गाय दूध देती है। यह क्या है, खूब गौर से समझें, सर्वनाम। गाय क्या है, संज्ञा। संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया। अब ये देखेंगे कि सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है कि नहीं, बताएं आप लोग। यह गाय, दिस काउ, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा, बिल्कुल सही जवाब। यह संज्ञा की ओर संकेत करने के कारण यह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चूंकि यह में सा नहीं लगा हुआ है इसलिए यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम उदाहरण दूसरा लेते हैं, ऐसी गाय दूध नहीं देती। अब देखें, हमने ऐसी गाय, यह प्लस सा जुड़ा है, यह प्लस सा, आप देख लें, यह प्लस सा बराबर ऐसा, यह प्लस सी बराबर ऐसी, चूंकि गाय स्त्रीलिंग है इसलिए ऐसी हो जाएगी। तो यह प्लस सा यानी यह सर्वनाम में हमने सा जोड़ दिया तो बना ऐसा, यानी कि ये यौगिक सर्वनाम है, यह है सर्वनाम और यह है संज्ञा। और ऐसी गाय, यह जो ऐसी जो यौगिक सर्वनाम है, यह गाय की ओर संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा, यह गाय की ओर संकेत कर रहा है। इसका मतलब यह जो है यौगिक सर्वनाम न हो करके अब इसका नाम बदल जाएगा और हम जो कहेंगे कि यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। बात आई समझ में, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सर्वनाम विशेषण के पहले अगर आते हैं तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और अगर यौगिक सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं तो यौगिक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से देखें, मौलिक सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यौगिक सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कहने का आशय यह है कि जो विशेषण का तीसरा भेद है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आकर संज्ञा को संकेत करते हैं और सर्वनाम न रह करके सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मूल सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं और उसके संकेत करते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और जो यौगिक सर्वनाम संज्ञा की ओर आकर संज्ञा के पहले आकर उसके संकेत करते हैं वो यौगिक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। कुल मिलाकर के आज की कक्षा बस इतनी ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सर्वनाम और सर्वनाम के भेद खूब अच्छी तरह पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। कल की कक्षा की शुरुआत पुनः हम सार्वनामिक विशेषण से करेंगे और कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये सार्वनामिक विशेषण अगर आपने क्लियर कर लिया
तो समझ लें कि आपने विशेषण को पूर्णतः पढ़ लिया। और युवा आईएएस का यह मंच विशेषतः समीक्षा अधिकारी के लिए जिन अध्यापकों का चुनाव किया है, वो चाहे आपके भूगोल के हों, चाहे आपके साइंस के हों, चाहे मैं हिंदी का हूँ, इतिहास के हों, वो समीक्षा अधिकारी के सिलेक्शन में जो गिरावट आती गई है इलाहाबाद से या अपने उत्तर प्रदेश से, उस गिरावट को रोकने की बड़ी कोशिश के साथ युवा आईएएस ने यह मंच प्रोवाइड किया है आप सबके लिए। तो आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करें और आप पाएंगे, जैसे ही परीक्षा होगी आप प्रैक्टिस के साथ पाएंगे कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके इस मंच से प्रैक्टिस ना कराई गई हो। मेरे विद्यार्थी तो इसके उदाहरण हैं। बीच बीच में मैं अपने विद्यार्थियों को बुला करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किन तरीकों से, किन माध्यमों से पढ़ाई करें कि 60 में 60 पाएँ। पास तो सब हो जाते हैं भाई, मज़ा तो तब है कि अब आप रैंकर बने, और रैंकर बनने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा युवा आईएएस के इस मंच के साथ। तो आशा करता हूँ कि आज का यह ज्ञान, आज का यह व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। और अगर आप कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, उसका समाधान किया जाएगा। तो इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त, कल फिर से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।